अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं चिकन ब्रेड रोल। तो इसे बनाने के लिए एक कप चिकन लिया और चिकन को उबाल कर इसके रेसे कर लिए हैं। जरूरत के हिसाब से ब्रेड के स्लाइस लेंगे। चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो एक टीस्पून के करीब डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसे हम भून लेते हैं। गैस को यहाँ बिल्कुल नदा ही रखा है। इसमें हम डालेंगे ये चिकन, एक से दो हरी मिर्च, इसे हमने मोटा मोटा पीस लिया है, काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ी देर इसे भून लेते हैं। दो से तीन मिनट भूनने के बाद में इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, एक टीस्पून सोया सॉस, दो टीस्पून टोमेटो केचप डाल देंगे, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। अब ये सारी चीजों को थोड़ी देर हम भून लेंगे। एक से दो मिनट भूनने के बाद में दो टेबल स्पून करीब डालेंगे इसमें मेयोनीज और इसे कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें चीज मिलाएंगे। चिकन जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें हम आधा कप के करीब कद्दूकस किया हुआ चीज मिलाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब बनाएंगे हम इसके रोल। ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके किनारों को हम काट देंगे। अब इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रेशर दें, इस तरह दबाएं और फिर इसे बेल। अब इसमें हम भरेंगे चिकन की फिलिंग। तो फिलिंग यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ना भरें और इस तरह हम रोल कर देंगे और ये साइड के किनारों पर भी पानी लगा देंगे और इस तरह से चिपका देंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से चिपका देंगे और इस तरह का ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग के लिए एक अंडा लेंगे और ब्रेड क्रम्ब लेंगे। तो अंडे को अच्छी तरह फेंट लेते हैं। एक पिंच के करीब डालेंगे हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर, एक पिंच नमक, एक टेबल स्पून दूध। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए, तो अंडा अच्छी तरह फेंट गया है। अब ये ब्रेड रोल को इस तरह अंडे में लगाएंगे। अब ये ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद में अब इसे हम एक प्लेट पर इस तरह रखते जाएंगे और इसी तरह सारे रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ब्रेड रोल की कोटिंग हमने कर ली है, जितनी जरूरत होगी उतने हम फ्राई कर लेंगे और बाकी को फ्रीज कर लेंगे। तो इस तरह का एक एयर टाइट डब्बा ले लें और ये रोल को इस तरह रखें और इसके ऊपर रखें बटर पेपर और इसके ऊपर भी इस तरह रख दें। इसका लगा देंगे हम ढक्कन और इसे हम रख देंगे फ्रीजर में। तो आप इसे 12 से 15 दिन तक रख कर यूज कर सकते हैं। चिकन ब्रेड रोल को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाए तो गैस को थोड़ा सा मंदा करेंगे और मध्य फ्लेम पर इसे फ्राई होने देंगे और इन्हें हम इसी तरह पलटते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन रोल जब चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गया है और इस तरह हम सारे रोल फ्राई कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।